सीतापुर में 53 दिन धरने बैठा रहा, एफआईआर लिखी गई, एफआईआर पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब सहारा से लड़ने में मैं अपने को असहाय और एक प्रकार से समझ लो थक चुका हूं। अब सहारा सुनने को तैयार नहीं है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कागज लाओ, पैसे ले जाओ। मैंने उपभोक्ता फोरम के जितने आदेश थे वो सब और बांडों की छाया प्रति अप्लीकेशन सभी आधार कार्ड पैन कार्ड केवाईसी सब लगा करके भेज दिया। आज तक कोई जवाब नहीं आया, ये हकीकत है। बाकी तो मैं और हमको जानकारी नहीं जो मैं आपको बता सकूं। मैं खुद ही आप लोगों से जानकारी कर रहा हूं क्योंकि मैं शुद्ध रूप से जमा करता हूं। कोई सहारा का कोई नहीं एजेंट हूं, न कोई फ्रेंचाइजी मैनेजर, न कोई मतलब सहारा से। हमारा से एक ब्राह्मणवाद में एक आ गए पंडित जी, वो चले आए और जमा करवा दिया, वो समझ लो अब वो देखते हैं भाग जाते हैं। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। कितने पैसे हैं आपके जमा सर? हमारे 10 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हमारे भैया जमा है और 6.25 लाख, 5,71,250 रुपए हमारी पत्नी के नाम है। वो दो बांड, एक पासबुक थी रियल इस्टेट की, हाउसिंग की थी, वो उसका कन्वर्जन उसमें कर दिया क्यू साहब में। फिर क्यू साहब वाले आए कहे कि दोबारा कन्वर्जन करा। हमने कहा चाहे पैसा मिले या न मिले कन्वर्जन हम नहीं कराएंगे। मैंने वही पर बोला, फिर कई लोगों से लड़ाई भी हुई हमारे दरवाजे पर। हमने कहा ज्यादा करोगे मैं एफआईआर लिखाने चला जाऊंगा, तो खैर सब भाग गए। कन्वर्जन हमने नहीं कराया फिर दोबारा। हमने कहा पैसा मिले या न मिले कन्वर्जन अब नहीं कराएंगे, ये हमारी हकीकत है। नहीं तो आपके कुल मिलाकर के 11 लाख हैं, 6 लाख आपकी पत्नी के, 5 लाख नहीं, 9,71,250 रुपए मूलधन हमारा जमा है। मूलधन 9,71,000 मूलधन। अच्छा अच्छा। और आप ये 2012 से मतलब 12 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं कोई 12 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। उपभोक्ता फोरम ने आपके आपके इसमें आदेश दिया, उपभोक्ता फोरम ने फिर लखनऊ जिला कलेक्टर को भेजा, जिला कलेक्टर वहां पर पैसा खा गया होगा, सहारा प्रबंधन का आदमी गया होगा, बोल रहा होगा कि ये हमसे पैसे ले लो या बंद करवा दो, प्रभाव का प्रभुत्व का इस्तेमाल किया, वो आपको कागज नहीं मिला इस प्रकार। अब हम आपको बता दें, एक मिनट रुकिए, ये अम्मी लाल जी आते हैं सहारा को बहुत महान बनाने के लिए। अम्मी लाल जी जी सर, महान सहारा के समर्थक, बताइए इनको। मिश्रा जी को क्या जवाब देंगे आप बताइए, मिश्रा जी को जवाब दीजिए। फिर आप बहाना वो कन्हैया जी के तरह, कंपनी ऐसी थी वैसी हो गई, टर्नर के साथ हम जा रहे थे। कोई बहाना नहीं करता हूं, पहले आप प्रश्न बताइए फिर सुनाइए फिर बताऊंगा। प्रश्न ये कहा कि आप पैसा क्या 12 साल हो गए, क्या सारा आदेश आ गया आपके फेवर में, उपभोक्ता फोरम ने दे दिया सब कुछ दे दिया कि भाई पैसा दो, क्यों नहीं दिया पैसा? फिर वही पैसा वही बहाना, भारत के सुप्रीम कोर्ट की वजह से मामला अटका हुआ है, सहारा की वजह से नहीं अटका हुआ है। सहारा आपके आगे हाथ जोड़ रही है, सहारा आपके पैर पकड़ रही है, सहारा आपके ऑफिस खोल के रखी है, सहारा निवेशकों के साथ खड़ी है, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट की वजह से है, भारत के नियमों की वजह से। ये आप झूठ बोल रहे हैं, सहारा हमारे लोगों के साथ में नहीं खड़ी है। अगर खड़ी होती तो हमारा भुगतान किया होता, भुगतान सहारा में जमा किया। आप हमको सुप्रीम कोर्ट का कहानी क्यों समझा रहे हो? हम नहीं समझा रहे साहब, हम तो अगर कोई सुनना चाहता है तो सुनाना चाहते हैं, नहीं सुनाना चाहते आपको। हम तो हमारे निवेशक के साथ खड़े हैं, जो हमारी बातें हैं वो बताना चाहते हैं। अगर निवेशक के साथ खड़े हुए होते, अगर निवेशक के साथ खड़े हुए होते तो कुछ भुगतान दिलवाए होते, कोई पैसा दो पैसा नहीं दिलवा सकते। खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, भारत के नियामकों से लड़ रहे हैं, और ऑफिस खोल के बैठी है, हेड ऑफिस खोल के बैठी है, कहीं विदेश पड़ी गई है कंपनी? नहीं नहीं, तो ये फ्रेंचाइजी मैनेजरों कैसे भुगतान हो गया? अरे निवेशक, फ्रेंचाइजी मैनेजर के कैसे भुगतान हो गया ये हमको बताइए आप, फ्रेंचाइजी मैनेजर का कैसे भुगतान हो गया? लेकिन 30 लाख रुपए 10 लाख रुपए तीनों भाइयों का निकल गया, हमारा पैसा क्यों नहीं निकला? हम तो ये कहना चाहते हैं, सीतापुर बटगंज फ्रेंचाइजी 74-20
हम ये कहते हैं कि सारा ने किसी साथ गलत नहीं किया, अगर किसी जगह गलत हुआ है वो एक अलग बात है, सारा ने किसी के साथ गलत नहीं किया। और क्या करते हैं, हम फांसी पर लटका देते हैं और क्या करते हैं? मैं सारा के साथ आज भी हूँ, मैं सारा के साथ हूँ। नहीं कहीं नहीं हो, कहीं नहीं हो, झूठ की कहानी है ये, कहीं नहीं हो। सारा के जमाकर्ताओं के साथ में ये भारत की कंपनी और भारत के जमाकर्ताओं को का खून चूस रही है, जीते जी मार दिया है। 1978 में भारत की कंपनी ने भारत के जमाकर्ताओं का सत्यानाश कर दिया है और निवेशक को समझा के लिया था, निवेशक को बताया गया था और भारत के कानून के जो प्रक्रिया है उनके तहत ऑफिस खोले गए थे, कानून के जो ये आप जानिए ये जब आपने झंझट वहाँ चालू किया के लिए लड़ रही है, जब आप झंझट निपटाने की बूता नहीं था, क्यों झंझट पाल लिए उनसे, सेबी से पाल लिए, कहीं किसी से पाल लिए, कहीं किसी से पाल लिए, क्यों सरकारी संस्थाओं से लड़ाई कर बैठे? आप ये बताइए हम क्या करें, इसके लड़ाई हम जिम्मेदार हैं? अरे साहब लड़ाई नहीं करते, क्यों तुम्हारे ऊपर ये सरकार हुई? तुम्हारा दूसरे कोर्ट में विवाद चल रहा है, क्यों विवाद चल रहा है भाई? अगर गलत न होते विवाद क्यों चलता? हम जमा करता है, हमने पैसा हम जमा करता है, पैसा आपको दिया, हमको पैसा हमारा दे दीजिए, कम ज्यादा उसको घटा बढ़ा लीजिए, सारा जिंदा है, कहीं नहीं ऑफिस खुली है, सब बंद करके भाग गए। देश में कितनी कंपनियां चल गई, इस देश से कितनी कंपनियां चल गई, अब चर्चा नहीं चलती, काहे की डिबेट होती है? अरे तो तुम जब भुगतान नहीं करते तो मैं कैसे जानू कि तुम यहाँ हो कि गायब हो? जब भुगतान नहीं दे रहे हो, तुम तो इसी देश में रहते हो और फिर भी भुगतान नहीं देते हो, भागे भी नहीं हो तो और देते भी नहीं हो। देश के कानून के पास जाइए ना, देश के कानून के पास, कानून तो यही कहोगे, पैसा जमा कराने के बाद यही बोलोगे भैया पैसा चूंकि फंसा लिए हो तो अब यही बोलोगे? नहीं, हम आपके साथ हैं, आप हमसे मदद लीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम तैयार हैं, पैसा लेके जाने वाली संस्था नहीं है, देश के कानून का पालन कर रही है। हम अपनी मदद, अब अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, हम आपकी क्या कर पाएंगे, हम अपनी ही मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो धैर्य रखिए, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत के नियामक लगे हुए हैं, संस्था लगी हुई है। कितने दिन धैर्य रखवाएंगे आप, एक समय सीमा बता दिए, कितने दिन धैर्य रखवाएंगे किसी को? ये भारत का कानून बता सकता, मैं नहीं बता सकता, ये भारत का कानून नहीं बता देगा। उस दिन संस्था जमा कराया था, तब जब जमा कराया था तब तो 6 ही वर्ष कहा था कि 6 वर्ष में तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर के सपने दिखाए थे 1978 से लेकर 2012 तक किसी की मैच्योरिटी लेट हुई तो बता दो। 1978 से लेकर 2012 इतिहास नहीं लिखे हैं, हम अपनी जो भी पीड़ा है हम अपना दर्द बता रहे हैं, हमको कोई किसी को नहीं बता रहे, हम अपना बता रहे हैं। आपका दर्द जायज है, आपका दर्द जायज है, हमारा भी दर्द जायज है, भारत के कानून की वजह से है, भारत के सिस्टम की वजह से है, जिस संस्था ने राष्ट्रगान को सर्वोपरि समझा, जिस भारत में फिर व्यापार क्यों किया था, जब को सर्वोपरि समझा, तुमको सिस्टम इतना खराब लगता था तो भारत का सिस्टम इतना खराब लगता था तो व्यापार क्यों किया भारत में? भारत में पैदा हुआ, भारत का कानून मानूंगा और भारत के कानून पे विश्वास है। ये कहो भारत की जनता को फंसा करके रख दिया, भारत की जनता को फंसा करके रख दिया है। नहीं, खुद फंसे हैं। सारा की कहां से कहां फंस गए और फंसे यहां से दुनिया होते तो बाहर मैसेडोनिया लंदन में नहीं रहे होते, जा करके भारत में रहते नहीं आज वो बोलने वाला नहीं है, नहीं रहे इसी देश में दुखी होके मके गए हैं। आपके अखबारों में कितने ऐड दिए हैं और लास्ट तक वीडियो दिया है, अब सरकार ने नहीं सुना तो वो करें, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना तो क्या करें? निवेशक के साथ खड़ा है और सारा ही संस्थान है जिसको आपको गर्व होगा, जिस दिन आपको पैसा मिलेगा। आखिर वो कौन सी बात है जो तुम्हारी सुनी नहीं जाती है, ये बताइए सबसे पहले बात, तुम्हारी ही क्यों नहीं सुनी जाती है? क्योंकि हम देश का कानून का पालन करते हैं, हमारे पास पैसा है, कानून हम कानून से चलते हैं। कानून, अगर कानून का पालन किया होता तो जमाकर्ताओं का भुगतान कर दिए होते। अगर कानून का पालन नहीं किया होता और इधर उधर किया होता तो आज कब का काम हो जाता?
और निवेशक के साथ नहीं है तो काम का पैसा डूब जाता है। ये तो देखिए सहारा का भी रटा रटाया जवाब है, सहारा का रटा रटाया।